फांसी बोल रहा है, ऐसी बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने धोखा दिया था, मेरे भाई समान कौन का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके इसके पिता को किसने बनवाया था, लोकतंत्र में विधायक दल का नेता ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? आप जब इस पर आरोप लगाया हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। अगर इसी तरह से हम चला ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया, क्यों नहीं सत्रह में एक्सप्लेन किया था? आज चार सीटें है, आज को बनाएंगे माननीय सदस्यगण, यह सब बर्दाश्त के बाहर। डिमांड किया माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता सदन ही बोल रहा है, बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बोल रहा है, मैंने धोखा दिया था, मेरे भाई समान कौन का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके इसके पिता को किसने बनवाया था, लोकतंत्र में विधायक दल का नेता ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? आप जब इस पर आरोप लगाया हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। अगर इसी तरह से हम चला ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया, क्यों नहीं सत्रह में एक्सप्लेन किया था? आज चार सीटें है, आज सदन में शांति बनाएंगे माननीय सदस्यगण, यह सब बर्दाश्त के बाहर। तेजस्वी यादव इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, हम सीधा सुनवाते हैं। मेरे परिवार के बारे में मेरा क्या क्या नामकरण नहीं किया, लेकिन फिर भी उन सब को भाव ना देते हुए हम मुद्दों की बात करते रहे और वो लोग मुर्दों की बात करते रहे। हम वर्तमान भविष्य की बात करते रहे, वो लोग इतिहास के बासी पन्ने और भूतकाल की बात करते रहे। हमारा अभी भी मानना है, स्पष्ट मानना है कि जनता का जनादेश जो था वो बदलाव का था, और जनता ने जनादेश महागठबंधन को दिया। और ये सरकार की फितरत है कि चोर दरवाजे से, पिछले बार भी आई और इस बार भी चोर दरवाजे से, लेकिन एक मर्यादा में रहने वाले लोगों को जो फैसला हुआ, हालांकि जनता ने जनादेश दिया, चुनाव आयोग का नतीजा आया, फिर भी हम लोगों ने स्वीकार किया। चाचा से भी हमने संबोधन किया है, लेकिन प्रोटोकॉल को मानते हुए, सदन में कोई चाचा भतीजा नहीं होता है, नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है सवाल को पूछें। लेकिन चुनाव के दौरान कुछ लोग आपा खो रहे थे, अपना भड़ास निकाल रहे थे, बच्चे गिन रहे थे। मेरे अगर सवाल को लेकर के उन्हीं का कोट करते हुए हमने बोला था, सब लोगों ने सुना था, देखा था, वीडियो क्लिप भी है, कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बेटे के चाह में जो है बेटियां पैदा करते रह गए,
तो हमने भी ये जवाब दिया कि ये मर्यादा और एक जहां तक बात की जाए तो ये शोभा नहीं देता किसी मुख्यमंत्री को और सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री को कि आप बच्चे के बारे में या मेरे परिवार की बहनों को आप राजनीति में परामर्श में आप घसीट के लेकर के आए। कहने के लिए तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई आप एक संतान के बाद आपने डर के कारण बेटी ना पैदा हो जाए इसलिए आपने जो है दूसरा संतान पैदा नहीं किया। लेकिन हमने तो चुनाव के दौरान नहीं कहा, हमने तो उन्हीं की बात को कहा या उनको याद भी दिलाया कि ऐसी बात अगर लालू जी में होती तो हम दो भाई हैं, मेरे बाद भी एक छोटी बहन है जो आखिरी में है, वो बेटी है मेरी बहन है। तो हमने तो उन्हीं की बात को याद दिलाया। अगर मेरे बात को प्रोसीडिंग से हटाया गया, प्रस्ताव दिया गया, तो यानी मुख्यमंत्री की हार हुई है। इससे मुख्यमंत्री क्या कि ये उनका है या नहीं, आप रिकॉर्ड में देख लीजिए, इस्तेमाल किया आपने, आप रिकॉर्ड में निकाल के देखिए। हमने तो यही कहा था उस समय भी, उनके तो एक पुत्र हैं और है कि नहीं ये वो अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? वो तो वही बता पाएंगे, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें की किस बात की है? आपके कितने पुत्र हैं नहीं है वो हम कैसे जानते हैं, वो तो आप ही बता पाओगे ना। इसमें आपको, हमको तो नहीं पता कि भैया यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसका क्या है, वो तो आप ही लोग बेहतर जानते हैं कि आपके परिवार में कितने भाई हैं बहन। हालांकि मुख्यमंत्री का परिवार भी 5-6 भाई बहन है, सिब्लिंग्स हैं, तो ये पूरी लेकिन आप जानती है कि उनके एक तो मुख्यमंत्री तो आरोप लगा रहे हैं आप कि उनके और भी बच्चे हो सकते हैं। वो आपका कल्पना हो सकता है, नहीं आप वो आपका सोच हो सकता है, हम उस सोच के नहीं है। यही तो मुख्यमंत्री को हमको बताना था और मेरे ख्याल से उनको जवाब मिल गया होगा। मुख्यमंत्री का क्या कहना था जब उस बच्चों बहनों के बारे में मेरे बोल रहे थे, तो क्या उनसे सवाल पूछा आपने? मेरे को तो नहीं लगता है पूछा होगा।